फ्रेंड्स, ये हमारा अभी कंप्रेसर को हमने लगा दिया है, तो अभी हम इसको सक्शन लाइन को लगाएंगे इस तरीके से। अभी ये जा नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा हीट करने के बाद उसका होल जो है ओपन हो जाएगा, तो आप लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको कंडेंसर का पाइप लगाना है तो वहाँ पे कॉपर और आपका कास्टिंग जॉइंट होता है, तो वहाँ पे आपको फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फाइल किए बिना आपने ये कर रहे तो आप वहाँ पे नहीं ऐड होता है, इसलिए इसको आप धीरे से अच्छे से इसको फाइल करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से फाइल कर लेना है। इस तरीके से चमकना चाहिए। उसके बाद इसको पाइप को इस तरीके से लगा लेना है, और उसके बाद ये जो कंडेंसर होता है, कंडेंसर का भी पाइप इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको तो फ्रेंड्स, जहाँ पे मेटल और आपका कॉपर आता है वहाँ पे आपको फ्लक्स लगाना ज़रूरी होता है, उससे बिना वो चिपकता नहीं है। फ्लक्स बहुत भी फ्लक्स लगाना नहीं है, थोड़ी सी फ्लक्स को लगा के उसको ब्रिज कर लेना है। तो इस तरीके से ब्रिजिंग करना है। ये भी आपका ब्रिजिंग हो गया है। तो यहाँ पे आपको चार्जिंग लगाना है, गैस चार्ज करना है, तो वहाँ पे आपको एनआरबी वॉल आता है, तो एनआरबी वॉल लगा लेना है। एनआरबी वॉल के बिना आप गैस चार्ज कर भी सकते हो, तो एनआरबी वॉल इसलिए लगाना है ताकि आपको दोबारा समझो लीकेज हो गया या गैस ज़्यादा हो गया तो आपको निकाल सकते हो या फिल कर सकते हो, इसलिए एनआरबी वॉल लगाना ज़रूरी होता है। एनआरबी वॉल से हम यहाँ पर वहाँ लगा रहे हैं। जब तक ये गर्म नहीं होता तब तक आप ब्रिजिंग रॉड लगाओगे तो फिर वो चिपकेगा नहीं है। जब वो पूरा अच्छे से गर्म हो जाता है उसी टाइम उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है, वो अच्छे से फिक्स हो जाता है। देखिए इस तरीके से ना, अभी जैसा परफेक्ट ब्रिजिंग हो गया। ये अभी हमारा पूरा पाइपलाइन जोड़ चुके हैं। अभी इसके बाद हमको ये ड्रायर रिप्लेस करना होता है, तो ड्रायर कट करके यहाँ से आपको फ्लशिंग करना है, जो भी इसके अंदर जो कचरा वगैरह है वो सब रिलीज हो जाता है, उसके बाद आप काम कर सकते हो। तो अभी हमको फिल्टर भी रिप्लेस करना है, तो फिल्टर को यहाँ से कट कर सकते हो, इस तरीके से इसको कट कर लेना है। इसको कट कर लेना है। उसके बाद ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी को भी कट कर लेना है। तो
कैपिलरी कट करने के लिए आपके क्या पास कटिंग टूल्स होना चाहिए क्या? क्यों कटर इस तरीके से कट आ जाता है, जो नंबर आपका कैपिलरी का होता है वो नंबर से आप यहाँ से लेके कट कर सकते हो उसको। ये गन्ना के साथ छिलते उस तरीके से कट हो जाता है, देखो इस तरीके से यहाँ से इसको ओपन मिल जाता है। इसको भी थोड़ा सा फाइल कर लेना है, फाइल आपके पास नहीं रहेगा तो आपको इससे भी कर सकते हैं, पॉलिश पेपर से भी। तो फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है इस काम में। तो ये इसको फाइल करते समय इस नीचे के तरह तो फाइल करना है, क्योंकि ये फाइल करते समय अंदर कुछ गंदा गया तो फिर वो ब्लॉकेज कर सकता है। इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा नहीं घिसना है, क्योंकि पतला पेस्ट पाइप रहता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें एक एंटी मॉइस्चर चोक आता है, वो एंटी मॉइस्चर लिक्विड है उसको अंदर डाल देना है, एंटी मॉइस्चर कंप्रेसर चालू करके उसको लगाना है। तो फ्रेंड्स ये एंटी मॉइस्चर है, अभी हम आपको फ्रिज को चालू करके इसको चलाना है, इसको रिले किधर गया कोई। फोनर को चालू करना है और यहाँ पे इसको क्लोज करना है ताकि ये खींच सके। ये इसके एंटी मॉइस्चर के अंदर इसको डुबा के रखना है और इसका लाइन ये जो है बंद करना है। बंद करने के बाद ये खींचना चाहिए, ये देखो अभी ये पूरा कैसा खींच रहा है, लिक्विड को पूरा अंदर तक खींच रहा है। खींच लिया इस तरीके से, वो पूरा ख़त्म हो गया। इसको तब तक पकड़ना है, पूरा साइकिल में घूमना चाहिए तब तक उसको पकड़ के ही रहना है। इस तरीके से 2-3-5 सेकेंड पकड़ के रखना है ताकि वो पूरा सिस्टम के अंदर जाए। इसको क्लोज करना है, अभी ये यहाँ से सक कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से करना है। उसके बाद हम फ्लशिंग करेंगे, फ्लशिंग के बाद फिल्टर ड्रायर लगा के उसको गैस चार्ज करेंगे।